चलो हाईलाइट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, दैट विल बी अ म्यूटेशन। अब बोर्ड के सिलेबस के कार्यक्रम जूलॉजी में है अभी, ठीक है ना, क्योंकि हमने सेकेंड डिटरमिनेशन जूलॉजी का कर दिया। अब म्यूटेशन जो है ये भी जूलॉजी के टॉपिक में ही आएगा, ठीक है ना। और अब हमें जो बॉटनी में पढ़ा है दैट इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, वो मैं लास्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पहले मैं जूलॉजी का सारा यूनिट क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, म्यूटेशन की बात करते हैं। म्यूटेशन है क्या, पहले ये चीज मैं बताऊंगा। म्यूटेशन है एनी इनहेरिटेबल चेंज इन डीएनए। अगर डीएनए के अंदर कोई ऐसी चेंज होगी, फिर वो चेंज जो इनहेरिट होगी फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन जो काज करते हैं केमिकल्स, उनको या कोई भी सब्सटेंस जो म्यूटेशन काज करेगा, नहीं सब दैट विल बी कॉल्ड एज म्यूटाजन। क्या बोलेंगे उसको, म्यूटाजन। वो हम आगे जाके देखेंगे डिटेल में म्यूटेशन है क्या। एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज द म्यूटेशन इज कॉल्ड एज ए म्यूटाजन। एंड म्यूटाजन जो होते हैं वही काज करते हैं म्यूटेशन इन साइड द डीएनए, और वही म्यूटेशन फिर इनहेरिट अगर हो जाएगी फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, देन वी विल कॉल इट एज दिस एज अ म्यूटेशन। सो डिफाइन करोगे तो लिखोगे आप लिख सकते हो एनी इनहेरिटेबल चेंज इन डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। इनहेरिटेबल मींस विच गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वन मोर इंपॉर्टेंट चीज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट द केमिकल्स और सब्सटेंस विच कॉज म्यूटेशन, सब्सटेंसेस विच कॉज म्यूटेशन are known as mutagens। हम बाद में देखेंगे क्या है, ठीक है बेटा। म्यूटेशन हमारे पास दो तरह की है, अगर मैं जनरल डेफिनेशन इसी बताऊं, म्यूटेशन क्या है हमारे पास दो तरह की है, एक है सोमैटिक और दूसरी है, सोमैटिक म्यूटेशन। सेकेंड वन इज म्यूटेशन इन जर्म सेल्स, जर्म सेल म्यूटेशन। दो तरह की म्यूटेशन हमारे पास है, एक कौन सी है जल्दी से बताओ। द म्यूटेशन वी हैव इन ए सेल्स अदर देन द जर्म सेल्स दैट विल बी कॉल्ड एज सोमैटिक म्यूटेशन, एंड सेकेंड वन वी हैव इन ए जर्म सेल म्यूटेशन। तो दो तरह की म्यूटेशन हो सकती है हमारे पास। तो टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो टाइप्स में हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, मैं इसको समझाऊंगा पहले। पहला जो हो सकता है दैट विल बी सोमैटिक म्यूटेशन या सोमैटिक सेल के अंदर म्यूटेशन होगा, सोमैटिक सेल के अंदर म्यूटेशन होगी, दैट इज अदर देन जर्म सेल्स, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो उन सेल्स को क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। और अगर सोमैटिक सेल में म्यूटेशन होगी, पॉइंट टू बी नोटेड दैट म्यूटेशन जो होगी, जैसे आपकी स्किन है, समझ लो आप स्किन सेल में म्यूटेशन होगी, अभी म्यूटेशन फैल रही है स्किन की आपके, मगर ये ट्रांसमिट नहीं हो जाएगी फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट मींस इट डाइज विद द ऑर्गेनिज्म। ये म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन, ऑर्गेनिज्म मर गया, खत्म हो गई म्यूटेशन। तो हम ये बोलेंगे सोमैटिक म्यूटेशन सेल म्यूटेशन जो होती है, इट डाइज विद ऑर्गेनिज्म, इट डाइज विद ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म के साथ खत्म हो जाती है, ऑर्गेनिज्म मर गया और ये भी खत्म हो जाती है वाली म्यूटेशन। और ये वाली म्यूटेशन जो है इट डजंट गेट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और मोस्टली आपको ये उन सेल्स में देखने को मिलेगी ये वाली म्यूटेशन, जो सेल्स दिखाती है हमें माइटोसिस। डिवीजन कौन सा दिखाएंगे बेटा, माइटोसिस। अब ये सेल, ये म्यूटेशन कहां फैल सकती है, अगर आपसे कोई पूछेगा क्या सोमैटिक म्यूटेशन जो है, सोमैटिक सेल म्यूटेशन जो है, क्या ये फैलती है यहां, इट स्प्रेड्स, इट गेट्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन सेल टू द डॉटर सेल्स,
फ्रॉम पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल. बात आई समय मैं आपको बताऊंगा कैसे. सिर्फ फॉरेस्ट हमारे पास एक सेल है, ये स्किन सेल है, हमारी स्किन सेल है, ठीक है ना बेटा. अब इस स्किन सेल में होगी म्यूटेशन. क्या होगी बेटा? म्यूटेशन. इस स्किन सेल में होगी म्यूटेशन. अब इस स्किन सेल को और स्किन बनानी है, क्योंकि स्किन बनती रहती है, खराब होगी खत्म होगी फिर से बनती है. अब ये स्किन सेल में होगी म्यूटेशन, पॉइंट टू बी नोटेड. और अभी कौन सी सेल है? सोमैटिक सेल है. अब इस सेल ने किया डिवाइड. क्या किया बेटा? डिवाइड. डिवाइड होकर इसने फिर से नई सेल्स बनाई, क्योंकि डिवीजन में बनाएगी नई सेल. अब ये दो सेल्स क्या है? डॉटर सेल्स है इसकी. लेकिन इन डॉटर सेल्स में भी क्या है? म्यूटेशन है. अब ये जो म्यूटेशन है ट्रांसमिट होगी फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल. लेकिन ये वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग नहीं होती है. बात आई समझ में मेरी? लेकिन फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल हो जाती है. तो हम ये बोल सकते हैं कि पेरेंट सेल से समझ लो ये पेरेंट सेल थी. अब ये पेरेंट सेल में डिवीजन हो गया, म्यूटेशन हुई थी यहाँ पे. अब समझ लो स्किन सेल थी ये. अब इस स्किन सेल में क्या हो गई थी? म्यूटेशन हो गई थी. अब इस स्किन सेल ने क्या बनाई थी? डॉटर सेल्स बनाई थी. और ये म्यूटेशन जो है ये डॉटर सेल्स में भी चली गई. इसका मतलब ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम पेरेंटल सेल टू डॉटर सेल्स, बट मे नॉट गेट ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट ऑफस्प्रिंग. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो आप लिख सकते हो यहाँ पे और एक पॉइंट भी एड कर सकते. इट मे गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम व्हाट? नो फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स. लाइक वी हैव अ स्किन कैंसर. एक सेल को स्किन कैंसर हो गया. अब ये सेल क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है. ये दूसरी डॉटर सेल्स बना रही है स्किन बनाने के लिए. लेकिन वो सेल्स भी कैंसर ऐसी बना रही है. तो अभी फैल रहा है स्किन के अंदर. बात आई समझ में? जैसे हमारे पास कोई नॉर्मल सेल थी, अचानक से वो क्या होगी, उसे अनकंट्रोल डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया. अब वो क्या बना रही है बेटा? डॉटर सेल्स बना रही है. अब फैल रहा है ना वो अंदर से. वो डॉटर सेल्स फैल रही, ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल. इसका मतलब ये जो हमारे पास ये म्यूटेशन है ये ट्रांसमिट होता है. इसकी तो मोस्ट एग्जाम्पल अगर हम ले सकते हैं वो क्या है? वो कैंसर है. इजंट इट? तो हम ये लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे दैट विल बी अ कैंसर. ठीक है बेटा. तो हमने बोला कि हमारे पास टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, एक है सोमैटिक सेल म्यूटेशन. हमने बोला ये म्यूटेशन जो डाइज विद द ऑर्गेनिज्म, जैसे कैंसर वाला पेशेंट मर गया खत्म हो जाता. मगर अगर म्यूटेशन किस में? जर्म सेल्स में. फिर ये ऑफस्प्रिंग में प्रिजर्व रहती. ऑफस्प्रिंग में आ गई, प्रिजर्व रहेगी, उससे भी जा सकती है नेक्स्ट जनरेशन. लेकिन ये म्यूटेशन का क्या है? ऑर्गेनिज्म मर गया, उसी के साथ ये म्यूटेशन खत्म हो गई. अब इसके जो प्रिजर्वेशन के, प्रिजर्व होने के चांसेस नहीं, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन फैलता नहीं है. ये पॉइंट आप याद रखोगे. तो मैंने बोला टाइप सोमैटिक सेल म्यूटेशन जो है इट डाइज विद ऑर्गेनिज्म, इट डजंट गेट इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. बट मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने आपको बताया अगर हमारी कोई स्किन सेल है उसके अंदर कोई म्यूटेशन है. अब वो पेरेंट सेल है, डिवाइड कर रही है, डॉटर सेल्स बना रही. अब ये डॉटर सेल इसके अंदर, ये पेरेंट सेल इन डॉटर सेल्स में भी डाल सकती है म्यूटेशन. सो वी कैन से इट मे गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल, नॉट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है किसका? कैंसर का. और मोस्टली आप देखोगे हमारे अंदर जो सोमैटिक सेल्स है वो डिवाइड करती है. कौन सा डिवीजन? माइटोसिस. ठीक है बेटा, आगे चलते. हमारे पास दूसरा, ये होगी फर्स्ट वन सोमैटिक. सेकंड पे चले जाते हैं हम. सेकंड जो हमारे पास होती है दैट इज कॉल्ड ए जर्म सेल म्यूटेशन. जर्म सेल म्यूटेशन इसका मतलब ये मोस्टली आप देखोगे टेस्टिस के अंदर, क्योंकि वही तो बनते हैं. और फीमेल के अंदर आप देखोगे ओवरीज के अंदर, ठीक है ना. सो वी कैन से जर्म सेल म्यूटेशन की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे इट्स ए म्यूटेशन इन जर्म सेल्स. म्यूटेशन इन जर्म सेल्स. आप समझ लो, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा. ये समझ लो आप एक जर्म सेल है, ये डिप्लॉयड है, ठीक है ना बेटा. 2n इज इक्वल 46 होगा इसके अंदर, हमारे अंदर बात करेंगे. अब ये जर्म सेल है, ये हो सकती है जर्म सेल किसकी भी, मेल की भी हो सकती है, फीमेल की भी हो सकती है, ठीक है ना. अब इसके ऊपर होगी म्यूटेशन. इसको होगी म्यूटेशन.
अब इस म्यूटेशन की वजह से ये क्या बनाएगी, इट विल फॉर्म ए गैमेट्स, ईदर इट मे फॉर्म ए स्पर्म्स और इट मे फॉर्म ए ओवम, इजंट इट, इट मे फॉर्म ए स्पर्म और इट मे फॉर्म ए ओवम, दो तरह के गैमेट्स बना सकते। तो हम ये बोलेंगे यहां पे हो जाती है मियोसिस इन जनरल, फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, में तो जनरल बता रहा हूं, और हमारे पास हो जाती है मियोसिस और हमारे पास बन जाते हैं गैमेट्स। क्या बन जाते हैं बेटा? एंड गैमेट्स विल बी ऑलवेज हैप्लॉइड, whether it may be the male gametes or it may be the female gametes. But listen to me, this mutation here may get inherited from parent, then after, if there is a fusion of the gametes, then it may get transferred, because gametes fused form a zygote, that, and zygote forms a new individual. That means this mutation may get transmitted, may get inherited from parent to offspring. Is it dying with the organs? No. It gets preserved in next generation. अब ये mutation जो ये फैलती रहती है from generation to generation, अगर ये आ सकते इसके chances है कि फैल जाएगी. So ऐसी mutation को आप क्या बोलोगे? Germ cell mutation. तो दो तरह की mutation आपको दो तरह की cells में हो सकती है, एक है somatic cells में और दूसरी कहाँ पे? Germ cells. लेकिन याद रखोगे बेटा, सोमैटिक म्यूटेशन डू नॉट गेट्स इनहेरिटेड। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, किसी की बाजू जल जाती तो दाग जैसे लग जाता, सोमैटिक सेल में दाग लग गया। अब ये ऑफस्प्रिंग उसका देखो, उसको दाग नहीं होगा, क्योंकि ये सोमैटिक सेल म्यूटेशन जो होगी यहाँ पे इनहेरिट नहीं हो जाती। किसमें? हाँ, जैसे आप कोई चेंज लाते हो, आप लेंस लगाते हो कोई आइज पे, ब्राउन कलर का या ब्लू कलर का लेंस लगाते हैं, अब वो कौन सा ट्रेट है, आपने चेंज कर दिया इसको, वो भी इनहेरिट होने के चांसेस, दैट्स अ चेंज इन द सोमैटिक सेल। कलर लगाते हो आप बालों में, वो भी इनहेरिट नहीं होता है, ये चेंज है, बट इट डजंट गेट्स इनहेरिट, इट्स अ चेंज इन। कोई टैटू लगाता है यहाँ पे स्किन के ऊपर, आपने देखा होगा, वो भी इनहेरिट नहीं होता है फ्रॉम पेरेंट टू, सो दिस इज अ चेंज इन अ सोमैटिक सेल्स। बट रिमेंबर वन थिंग, दिस सोमैटिक सेल म्यूटेशन मे गेट इनहेरिट, मे गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वट, पेरेंटल सेल, पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स, एंड रिमेन्स विद इन द ऑर्गेनिज्म एंड डाइज विद द ऑर्गेनिज्म। बट हियर यू हैव टू कीप इन माइंड, mutation comes into the gametes, then gametes fuse to form a zygote, zygote will form a new individual. Now the mutation comes in a new individual, isn't it? Yes, and from that it may come to the next individual. That it is preserved from generation to generation. This mutation is very dangerous mutation. Which one? Germ cell mutation. Okay, so these are the two types of the mutations in a different cell, like somatic cells and germ cells. Theek hai, तो कल हम इसको डिटेल में लेते हैं।